हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने ही चैनल स्मार्ट स्टडी क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, ये स्टोरी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आप इस स्टोरी को बहुत एंजॉय करोगे और साथ साथ आप इंग्लिश के नए नए वर्ड्स और इंग्लिश ग्रामर से संबंधित आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स सीखने वाले हो, जिससे आपकी इंग्लिश बेहतर होगी और आप इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओगे। इवन आप किसी को इंग्लिश सिखा भी पाओगे। सो गाइस, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे स्टोरी का टाइटल है आ ग्रेडी डॉग। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आ मीन्स होता है एक, ठीक है, जो कि एक आर्टिकल है। ग्रेडी, ग्रेडी यानी होता है लालची। डॉग यानी कुत्ता, आप जानते होंगे। ओके, तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं स्टोरी को। वंस यानी एक बार, ठीक है। अक्सर आप देखे होंगे कि स्टोरी में जो है तो वंस लिखा रहता है या वंस अपॉन अ टाइम, जिसका मीनिंग होता है एक बार। एक बार अ डॉग वॉज वेटिंग नियर अ मीट शॉप द होप टू गेट बाय चांस अ पीस ऑफ मीट। तो देखिए, एक बार एक कुत्ता वेटिंग वॉज यानि था, वेट यानि इंतजार करना, तो वो इंतज़ार कर रहा था नियर अ मीट शॉप। मीट यानि मांस, शॉप तो मांस की शॉप के पास, नियर यानि पास में वेट कर रहा था। किस चीज़ का वेट कर रहा था? द होप टू गेट, टू गेट यानि प्राप्त करने की आशा, होप यानि आशा। बाई चांस, बाई चांस यानि होता है कि मौके से, ठीक है, यदि मौके से उसे क्या मिल गया, अ पीस ऑफ मीट। मीट यानि मांस, तो मांस का एक पीस, टुकड़ा, ठीक है, पीस ऑफ मीट, मांस का टुकड़ा। सून यानि जल्द ही फाउंड, फाउंड क्या है, फाइंड का सेकंड फॉर्म है, राइट। आप ये फाइंड वर्ड जानते होंगे, जिसका मतलब होता है पाना या प्राप्त करना, ठीक है। तो ही फाउंड, सून यानि जल्द ही फाउंड, उसने पाया एन अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यानि होता है अवसर या मौका, राइट गाइज। तो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, इसको पढ़ेंगे चू, टी यू को चू, तो अपॉर्चुनिटी यानि अवसर, राइट, या मौका। तो उसे मौका मिल गया। द शॉपकीपर हैड अ गुड नंबर ऑफ कस्टमर्स विजिटिंग हिज शॉप एट अ टाइम, एट अ टाइम। तो जो शॉपकीपर यानी होता है दुकानदार, राइट, दुकानदार। हैड यानि उसके पास था, राइट, कुछ चीज़ थी, तो हम हैड लगाते हैं। हैड अ गुड नंबर ऑफ यानि अच्छी संख्या में, अच्छी संख्या में थे, क्या थे, कस्टमर्स, उसके कस्टमर थे, ग्राहक थे। विजिटिंग हिज शॉप, हिज शॉप यानी उसकी दुकान, उसकी दुकान को वो विजिट करते थे। विजिट यानी होता है भ्रमण करना, आना जाना, ठीक है। एट अ टाइम, एक समय पर, एट यानी पर, तो एक समय पर उसके यहाँ कई सारे कस्टमर आते जाते थे। चलिए हम स्टोरी को आगे देखते हैं कि स्टोरी में क्या होता है, राइट। सो गाइस, यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम आ चुके हैं यहाँ पर एंड, एंड यानी और। ही बिकेम, ही यानी वह, पुरुष के लिए होता है ही, वह बिकेम यानी हो गया या बन गया, क्या हो गया, बिजी इन टॉकिंग, इन टॉकिंग, बात करने में बिजी हो गया। टू देम, टू देम यानी उनसे, किनसे, कस्टमर से। एंड और, सेलिंग मीट अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव लेमन्स, यानी कि उनके अकॉर्डिंग यानी उनके अनुसार वो बेचने लगा। टू देयर रिस्पेक्टिव, उनसे संबंधित जो उनके लेमन्स थे, उनके विचार थे, उनकी जो ऑर्डर थे, उसके अकॉर्डिंग वो उनको मीट सेलिंग करने लगा, बेचने लगा, राइट। अब देखिए क्या होता है। इन द मीन टाइम, मीन टाइम यानी होता है उसी समय, मीन टाइम उसी समय में, द डॉग मैनेज्ड, डॉग ने मैनेज कर दिया, मैनेज कर दिया यानी कि आप जानते होंगे कि चुरा लेना, ठीक है, किसी चीज़ को मैनेज कर लेना यानी कि चुरा लेना। टू बाइट,
टू बाइट अ लंप ऑफ मीट, अ लंप यानी होता है टुकड़ा या ढेला, ठीक है। तो मीट का एक ढेला, एक टुकड़ा वो क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, ओके। ऑफ मीट फ्रॉम द शॉप, शॉप से, उसी दुकान से, एंड और रैन अवे, रैन अवे यानी भाग गया, एज फास्ट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लेकर भाग गया, राइट। क्योंकि चोरी किया था तो अब जानते हैं कि चोरी करने पर इंसान हो या जानवर, राइट, वो बिल्कुल दुम दबा कर भाग गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। एंड ही रीच्ड, रीच यानी होता है पहुंचना, रीच्ड वह पहुंच गया, कहां पर पहुंच गया, द बैंक ऑफ अ रिवर, बैंक यानी होता है किनारा, ओके, किनारा जैसे नदी का किनारा, तालाब का किनारा, ठीक है। तो बैंक ऑफ, ऑफ यानी का, रिवर नदी का किनारा, एंड वांटेड टू क्रॉस, वांटेड यानी चाहता था, टू क्रॉस यानी पार करना, द रिवर बाय ब्रिज, बाय ब्रिज यानी होता है पुल से, पुल से होते हुए या पुल के द्वारा वो उस नदी को पार करना चाहता था, दैट वॉज लेड ओवर इट, लेड ओवर मतलब होता है कि किसी के ऊपर, ठीक है, टच ना हो, जैसे नदी के ऊपर आप देखे होंगे कि ब्रिज बनी रहती है, पुल बनी रहती है, तो लेड ओवर होता है बनी हुई, किसी के ऊपर बनी हुई, ठीक है ना। इट यानी यह है, यानी रिवर, रिवर के ऊपर बनी हुई, तो इट का यूज ज़्यादातर हम करते हैं किसी वस्तु या चीज़ को बताने के लिए। तो ये हो गया, हम चलते हैं आगे, राइट गाइस। देखिए नेक्स्ट, द डॉग क्लाइम्ड, क्लाइम्ड, क्लाइम्ड यानी चढ़ना, तो ये सेकंड फॉर्म है वर्ब का, तो ये हो जाएगा चढ़ गया, चढ़ गया, कुत्ता कहाँ चढ़ गया, द ब्रिज, ब्रिज यानी पुल पर वो चढ़ गया, एंड और एज ही केम, एज यानी जैसे ही, एज, एज यानी जैसे ही केम, वह आया नियर द मिडिल ऑफ इट, नियर मतलब पास, मिडिल यानी बीच में, ऑफ इट यानी इसके, जैसे ही वो इसके पास आया, ठीक है, किसके पास आया, उस पुल के पास आया, ही सॉ, उसने देखा, हिज ओन शैडो, उसकी खुद की शैडो, हिज यानी उसकी यानी उस कुत्ते की, हो ओन, ओन, ओन मीन्स खुद, शैडो मीन्स छाया, उसकी खुद की छाया, फेल ऑन द बेड ऑफ द रिवर, बेड ऑफ द रिवर नहीं होता है नदी पर, जो नदी का तला है, ठीक है। तो नदी के जब आप देखते हो कि नदी के नीचे जो है अपनी एक छाया बनती है, राइट, एक परछाई बनती है, तो फेल ऑन मतलब होता है कि गिरना, यानी उस नदी पर उसकी परछाई गिरी, मतलब दिखाई दी, ओके। देन क्या हुआ, देखिए एक्चुअली ये बहुत फेमस स्टोरी है, आप सब लोग जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका उद्देश्य क्या है, इंग्लिश को सीखना, ठीक है, इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करना, तो उस बात पे फोकस करिए और स्टोरी को भी एंजॉय करिए, ओके, राइट। तो हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या होता है स्टोरी में। जस्ट हम थे यहाँ पर, विच रिफ्लेक्टेड दैट अ डॉग वॉज स्टैंडिंग विद अ लैम्प ऑफ फ्लस इन हिज माउथ, विच रिफ्लेक्टेड यानी उसमें जो है उसकी छाया रिफ्लेक्ट हो रही थी, दिखाई दे रही थी कि एक कुत्ता, अ डॉग वॉज स्टैंडिंग, एक कुत्ता खड़ा था, वॉज स्टैंडिंग खड़ा था, विथ अ लैम्प ऑफ फ्लस, फ्लस, फ्लस यानी मांस, तो मांस का एक लंप, लंप, लंप यानी टुकड़ा या ढेला, कैसे के साथ खड़ा था, विथ यानी के साथ, इन हिज माउथ, अपने माउथ में, अपने मुंह में लेकर खड़ा हुआ था, ओके गाइस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी में क्या होता है फाइनली, और जो है डॉग के साथ क्या होता है। तो हम पढ़ चुके हैं गाइस यहाँ तक, राइट, इसके आगे पढ़ेंगे।
डॉग बिकेम ग्रीडी, ग्रीडी यानी लालची, बिकेम मतलब हो गया, कुत्ता क्या हो गया, लालची हो गया, एंड वॉन्टेड और चाहता था टू अवे, अवे यानी एक रास्ता, एक मार्ग, दैट की पीस ऑफ मीट आल्सो, पीस ऑफ मीट आल्सो यानी जो उसका मांस का टुकड़ा था वो भी उसको प्राप्त हो सके, उसको पाने का वो मार्ग खोज रहा था, सोच रहा था कि कैसे वो मिल जाए। यानी ही, सॉरी, सो यानी इसलिए, ही जम्प्ड, वह जंप किया, कूदा, इनटू द रिवर, ठीक है, रिवर में छलांग लगा दिया, कूद गया, ठीक है। यहाँ पर इनटू इसीलिए आया है जब कोई चीज़ बाहर से किसी के अंदर जाती है, राइट, तब हम मे के लिए इनटू लगाते हैं। इसके बाद देखिए, टू कैच होल्ड ऑफ द मीट, टू कैच यानी पकड़ने के लिए, कैच होल्ड ऑफ द मीट, कैच होल्ड मतलब पकड़ना, तो उस मीट के टुकड़े को जो उसकी परछाई में दिख रहा था उसको पकड़ने के लिए वो जंप कर गया। नेक्स्ट, एंड ही वॉज सून कैरीड अवे, कैरीड अवे यानी होता है ले जाना, ठीक है। तो क्या हो गया, उसे कौन ले गया, उसे आइए देखते हैं कौन ले गया, राइट। फिलहाल यहाँ पर देखिए कैरीड अवे मतलब होता है ले जाना, वॉज ही वॉज सून, सून यानी जल्दी ही, बाय द स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर, सॉरी, स्ट्रॉन्ग करंट यानी होता है मजबूत धारा, करंट यानी धारा, ठीक है, बहाव, पानी के बहाव को, धारा को हम करंट बोलते हैं। तो मजबूत करंट यानी मजबूत धारा के द्वारा, बा यानी से या द्वारा, वो क्या हो गया, कैरीड अवे हो गया मतलब बह गया, राइट। तो बहने के लिए भी आप कैरीड अवे यूज कर सकते हैं, तो वो पानी की धारा से होते हुए वो बह गया। और एक्चुअली में कैरी अवे मतलब ये भी होता है कि ले जाना, दूर ले जाना, राइट। तो इस तरह से इंग्लिश में एक शब्द के भी कई मतलब होते हैं, ऑफ द रिवर। नेक्स्ट है दस, दस, दस यानी इस तरह से, दस ही मतलब होता है इस तरह से, राइट। इस तरह से क्या हो गया, द डॉग हैड रिसीव्ड, रिसीव्ड, रिसीव्ड यानी प्राप्त किया था, हैड रिसीव्ड यानी प्राप्त कर लिया था, हैड के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो उसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, कर लिया था या चुका था, तो वो प्राप्त कर चुका था, द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रीड, ग्रीड यानी लालच, ओके, ग्रीड यानी लालच, तो अपने लालच का जो फल है वो प्राप्त कर चुका था। तो इस तरह से गाइस यहाँ पर स्टोरी खत्म होती है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगती है, और मुझे किस तरह की आपको स्टोरीज लाना चाहिए, और मुझे जो है तो इस तरह से पढ़ाना चाहिए या थोड़ा और स्लो या थोड़ा और फास्ट, आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लास्ट में गाइस, आप सभी का हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, अगली स्टोरी के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच गाइस।